बधाई हो में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद मीना गुप्ता अब थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म का नाम ग्वालियर है। फिल्म की शूटिंग फिलहाल ग्वालियर में की जा रही है। इस फिल्म में संजय मिश्रा भी एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। बता दें कि मीना गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। फिल्म में मैं मंजू मिश्रा का किरदार निभा रही हूँ, वो एक हाउसवाइफ है। फिल्म की कहानी में दिखाया जाएगा कि कैसे एक अशिक्षित महिला जिसे कमजोर माना जाता है पैसों की कमी से जुड़ी स्थिति को संभालती है। बता दें कि संजय मिश्रा फिल्म में नीना के हस्बैंड का किरदार निभा रहे हैं जो कि रिटायर्ड टीचर हैं। इसी पर संजय मिश्रा का कहना है कि इस फिल्म में मैं एक तरह से अपने असली पिता की भूमिका निभा रहा हूँ। नीना के साथ काम करने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। मैं इस फिल्म में उनके साथ काम करने के मौके के लिए आभारी हूँ। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मेरी सीनियर हैं। मेरे दिल में उनके लिए बेहद सम्मान है, इसलिए स्क्रीन पर पति पत्नी का रिश्ता निभाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिल्म का लेखन बता दें तो निर्देशन और लेखन जसपाल सिंह संधू और राजीव बर्नवाल ने किया है। ये एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी ओल्ड मैरिज कपल के इर्द गिर्द घूमती है। साथ ही ये फिल्म 150 साल पुराने घर के अंदर शूटिंग की जा रही है और ग्वालियर के बाद 3 दिन की शूटिंग के लिए वाराणसी भी जाया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।